सुरेंद्र नगर में कुछ परिवार के दिन की शुरुआत सोने की तलाश से शुरू होती है और दिन खत्म होता है थोड़े से सोने के कण के साथ। ये लोग रोजाना सुबह 4 बजे उठकर सोनार की दुकानों के आसपास के कचरे को इकट्ठा करते हैं और उसमें से सोने के कण को तलाशते हैं। साथ ही सोनार की दुकान के पास से निकलते गटर के पानी में से भी ये सोने के कण तलाश लेते हैं। हम लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं, दिन में 200 से 300 रुपए का काम हो जाता है और इसी से ही हमारा गुजारा चल जाता है। हम लोग काफी सालों से ये काम करते आ रहे हैं। गांव में सुनार की दुकान के पास की धूल मिट्टी साफ करके हम सोना निकालते हैं और इसी से हमारा गुजारा चलता है। ज्वेलर्स की दुकान के पास कचरे और गटर से मिले सोने के कणों को ये आग में तपाते हैं और फिर उनको मिलता है दिन भर की मेहनत का फल। ये देखिए, सारे कण को मिलाकर एक छोटे से सोने का हिस्सा इन्हें मिल गया। इस तरह ये दिन भर में 200 से 250 रुपए की कमाई कर लेते हैं और फिर इस सोने को बेचकर चलता है इनके दिन का खर्च। धूल धुए लोग होते हैं, उसमें से वो कचरे को रिफाइन करके 100-200 मिली जैसा का उसमें सोने निकलता है, उसमें से वो लोग उसका गुजरान चलाते हैं। लोग बेस्ट में से बेस्ट निकालते हैं, पर ये लोग उदाहरण हैं जो कचरे और गटर के पानी से सोना निकालकर अपना खर्च चलाते हैं। वीरेंद्र के साथ नेहा कटोच, जानो दुनिया, सुरेंद्र नगर।